स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम, लेकर हाजिर हूं आपका चुनाव के इस दौर में सबसे पसंदीदा प्रोग्राम जनता का तराजू। झारखंड में चार चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन और प्रचार का दौर जारी है। प्रत्याशी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन चुनाव के इस महापर्व में अंतिम फैसला तो जनता को लेना है कि वो किसे जीत का सहरा पहनाएगी। हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए 20 मई को चुनाव होना है। हजारीबाग में बीजेपी के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में देखना है कि चुनावी मैदान में किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। चलिए ये जानने के लिए शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम जनता का तराजू। तो जनता के तराजू में सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं मनीष जायसवाल से। मनीष जायसवाल के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। ब्रजकिशोर जायसवाल के बेटे हैं मनीष जायसवाल। ब्रजकिशोर सालों तक रहे नगर परिषद अध्यक्ष। मनीष जायसवाल का जन्म 23 जुलाई 1968 में हुआ। बड़का गांव के जुगरा के हैं मूल निवासी। बोकारो के संत जेवियर से 12th की पढ़ाई पूरी की। हजारीबाग के सेंट कोलंबस से 1990 में स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया। 2008 में नगर परिषद के चुनाव में भारी और पीछेगा परिषद चुनाव से उन्होंने एंट्री मारी है राजनीति में। उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। जेवीएम के टिकट पर मांडू से उन्होंने चुनाव लड़ा, जो उपाध्यक्ष पद के लिए उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद जेवीएम की नजर उन पर पड़ी और जेवीएम ने उन्हें मांडू से प्रत्याशी बनाया। हालांकि उपचुनाव में हार मिली। 2013 में जेवीएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। हजारीबाग से विधानसभा का चुनाव 2014 में लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में फिर बीजेपी ने भरोसा जताया और जीत हासिल की। 2023 में कर्नाटक में हुए चुनाव में यशवंतपुर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए, यानी कि केंद्र की सियासत में उन्हें नोटिस किया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यशवंतपुर विधानसभा के प्रभारी बनाए गए। 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने टिकट दिया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मनीष जायसवाल की बात हुई, अब जेपी पटेल की बात करते हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जेपी पटेल, उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 12 जून 1982 में उनका जन्म हुआ। हजारीबाग के विष्णुगढ़ के मूल निवासी हैं। जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे। टेकलाल महतो के पुत्र हैं जेपी पटेल। सांसद और कई टर्म के विधायक रहे पिता टेकलाल महतो। स्वर्गीय टेकलाल महतो की उन्होंने राजनीतिक विरासत को संभाला। पिता की मौत के बाद मांडू से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मांडू विधानसभा से 3 टर्म के विधायक हैं जेपी पटेल। 2 बार जेएमएम के टिकट पर, 1 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रचार करने पर जेएमएम ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। जेएमएम से निष्कासन के बाद जेपी पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी विधायक दल के नेता की रेस में जेपी पटेल का नाम सबसे आगे चल रहा था। बीजेपी नेताओं के विरोध की वजह से नहीं बनाया गया विधायक दल के नेता। 20 मार्च 2024 में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने हजारीबाग लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।